नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज के डिस्कशन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल साइटोकाइन स्टॉर्म से संबंधित है। देखो, जब किसी पेशेंट को नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो उस पेशेंट को काफ़ी तरह के डिजीज हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो ये है कि जिस पेशेंट को कोविड-19 ने इन्फेक्ट किया है, इसकी वजह से पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म डिजीज ना हो जाए। है क्या ये साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसके बारे में डॉक्टर्स को डर लगता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज ना हो जाए? बिल्कुल बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, आपको एक चीज़ का पता है, जब हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल पैथोजन एंटर करता है, कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस, तो इम्यून सिस्टम रिस्पोंड करता है ताकि बॉडी की सुरक्षा की जा सके इन्वेडर से, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया से या फिर वायरस से जिसने बॉडी के अंदर एंटर किया है। तो देखो, इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इम्यून सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक सिग्नलिंग सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, और उसी का नाम है साइटोकाइन। साइटोकाइन एक प्रकार से मैसेंजर का काम करते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हो, दूसरे शब्दों में साइटोकाइंस एक्टिवेटर हैं। साइटोकाइंस सिग्नल देते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये पूरी प्रोसेस कैसे चलती है, सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन की बॉडी में कोई वायरस ने एंटर किया है, या फिर बैक्टीरिया ने एंटर किया है किसी ऑर्गन में, या फिर चोट लगी है। मान लीजिए यहाँ पर चोट लगी है, तो फिर सबसे पहले जो पता लगता है वो पता लगता है WBC को। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और WBC के द्वारा रिलीज किए जाते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस एक प्रकार से प्रोटीन है जो कि सीक्रेट किए जाते हैं किसके द्वारा, WBC के द्वारा, जिन्हें सबसे पहले पता लगता है कि बॉडी के किसी पार्ट में सेल्स डैमेज हुए हैं। और साइटोकाइंस देखो, ये मैसेंजर का काम करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। साइटोकाइंस बोलते हैं इम्यून सेल्स को कि भैया जल्दी आ जाओ, हाथ में चोट लग गई है, आप भाग भाग के आ जाओ। तो साइटोकाइंस के कहने पर इम्यून सेल्स यानी टी सेल आ जाते हैं, जो रिस्पोंड करते हैं, डैमेज सेल्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बदले में चोट के हिसाब से साइटोकाइंस और ज़्यादा साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि बदले में और ज़्यादा इम्यून सेल्स को बुलाया जा सके। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस काम करती है, और इम्यून सेल्स ठीक करते हैं उन सेल्स को जो डैमेज हो गए हैं बॉडी के पर्टिकुलर हिस्से में। लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? जब देखो इम्यून सेल्स जो हैं वो ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब जितने इम्यून सेल्स की आवश्यकता थी उससे ज़्यादा ही इम्यून सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइटोकाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। साइटोकाइंस जो कि एक प्रकार से मैसेंजर का काम करते हैं, बुलाते हैं इम्यून सेल्स को, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए। साइटोकाइंस अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो उन्होंने इम्यून सेल्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस किए, और देखो एक लूप स्टार्ट हो जाता है। जितने ज़्यादा साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं वो और ज़्यादा साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, और इससे और ज़्यादा इम्यून सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जितने इम्यून सेल्स की आवश्यकता थी बॉडी के पर्टिकुलर हिस्से में उससे तो देखो बहुत ज़्यादा ही इम्यून सेल्स जनरेट हो जाते हैं, और वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। इन्फेक्शन सा हो जाता है इम्यून सेल्स का ही, जबकि इम्यून सेल तो एक प्रकार से हीरो हैं, वो तो बचाते हैं बॉडी को बाहरी एंटीजन से, लेकिन वो खुद ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पर जिन ऑर्गन्स में उनकी आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर भी वो चले जाते हैं। इससे देखो लंग्स में जलन होने लगती है, फ्लूड डेवलप हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और इससे पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। समझ गए? तो अगर कोई पूछे साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है, साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है, इम्यून सेल्स जो बॉडी की सुरक्षा करते हैं बाहरी इन्वेडर्स से, वो ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिमिस प्रोग्राम के बारे में है। ये देखो नासा का प्रोग्राम है, ये नासा का नेक्स्ट लूनर मिशन है, मतलब मून पर नासा का एयरक्राफ्ट लैंड करेगा जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। वो लंबे समय के लिए मून के ऊपर रहेंगे, एक बेस कैंप भी इस्टेब्लिश किया जाएगा,
लंबे समय मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं, ऑलमोस्ट 7 दिनों तक चार एस्ट्रोनॉट्स नासा के रहेंगे। मून के ऊपर एक बेस कैंप इस्टाब्लिश किया जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर देखो 7 दिनों के लिए ये चार एस्ट्रोनॉट्स मून पर रहेंगे, जैसे पावर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल और कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए रेडिएशन से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इवन लैंड करने के लिए भी एक पैड चाहिए। अब देखो 7 दिनों तक ये चार एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे मून पर, करेंगे क्या, ये काफ़ी सारी नई नई टेक्निक्स को टेस्ट करेंगे, जैसे काफ़ी इरिटेटिंग मून पर जो मिट्टी है उसे कैसे निपटा जाए। इसके अलावा मून पर रातें काफ़ी लंबी और ठंडी होती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। लोकल जो मटेरियल है मून पर उसको रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या फिर नई पावर कैसे डेवलप की जाए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट से संबंधित ये सारी टेक्नोलॉजीज का टेस्ट किया जाएगा उन एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो मून पर रहेंगे 1 हफ्ते तक आर्टिमिस प्रोग्राम के अंतर्गत। और देखो इस प्रोग्राम के अंतर्गत मून पर जो बेस कैंप इस्टाब्लिश किया जाएगा, जहां पर 7 दिनों तक ये एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, ये इस्टाब्लिश किया जाएगा मून के साउथ पोल में। एक क्रेटर है, शेकल्टन क्रेटर। क्रेटर आपने देखा होगा कि खड्डा सा हो जाता है एक बड़ा सा, जिसे क्रेटर कहा जाता है। तो इस क्रेटर में ये बेस कैंप इस्टाब्लिश किया जाएगा। इस प्रोग्राम की देखो खास बात ये भी है कि नासा फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट को भेजेगा मून पर आर्टमिस प्रोग्राम के अंतर्गत, और अगला जो मैन जाएगा नासा की तरफ से मून पर वो भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जाएगा। ये पूरा नाम है आर्टिमिस का, एक्सेलेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इनोवेटिव सिटीजन्स को इन्वाइट किया है कि आप चैलेंज COVID-19 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए। अब देखो इनोवेटिव सिटीजन्स जब पार्टिसिपेट करेंगे इस इनिशिएटिव में, ना सिर्फ नए नए सॉल्यूशंस आस्केंगे कैसे COVID-19 से निपटा जाए, बल्कि इससे एक अवेयरनेस भी फैलती है सोसाइटी में, और अच्छे सॉल्यूशंस आते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। हम बात करें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में, ये देखो ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसे इस्टाब्लिश किया गया था फरवरी 2000 में, ये अहमदाबाद गुजरात में है। काम क्या है? काम देखो इस फाउंडेशन का ये है, ग्राउंड लेवल पे जो इनोवेटर्स हैं, ऐसे लोग जो ग्राउंड लेवल पर इनोवेशन लेके आते हैं, मतलब इनोवेटिव सिटीजन्स, उनको मजबूत बनाना ताकि हमारी सोसाइटी क्रिएटिव हो, नॉलेज बेस्ड हो, और ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकल के आएँ इनोवेटिव सिटीजन्स के थ्रू। इससे देखो हमारी जो परंपरागत नॉलेज है, पुरानी नॉलेज जो सदियों से चली आ रही है, वो भी मजबूत होती है, उनका फ़ायदा मिलता है। और देखो बड़ा फ़ायदा ये होता है ग्राउंड लेवल से, यानी ग्रासरूट लेवल से जो इनोवेशन निकल के आती है वो सस्टेनेबल भी होती है, क्योंकि वो लोग जो डायरेक्टली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वही लोग अगर सॉल्यूशन लेके आते हैं तो वो सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें पता है प्रॉब्लम किस नेचर की है, तो वो उसी नेचर का सॉल्यूशन लेके आते हैं जो कि प्रॉब्लम को सही ढंग से एड्रेस करता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लॉकडाउन के दौरान अथॉरिटीज़ के द्वारा कौन कौन से लॉज को इन्वोक किया जाता है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इससे संबंधित है। सबसे पहले सेक्शन 188 IPC। अगर देखो कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर्स को डिसओबे करता है, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर पास किया है लेकिन कोई पर्सन उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन पर कार्रवाई की जा सकती है एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत, और मुकदमा दर्ज किया जा सकता है सेक्शन 188 के तहत। तो उस पर्सन को दोषी करार दिए जाने पर 1 से लेकर 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का सेक्शन 51।
इस सेक्शन के तहत देखो दो प्रकार के ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट दी जा सकती हैं। पहला ऑफेंस मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोई ड्यूटी दी है किसी ऑफिसर को, सरकारी कर्मचारी को या फिर किसी दूसरे पर्सन को। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला है इन लोगों को कि आप ये ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, लेकिन कोई पर्सन ड्यूटी करने से रोकता है इन लोगों को, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, क्रिएट करता है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। और दूसरा ऑफेंस मान लीजिए अथॉरिटीज ने कोई ऑर्डर पास किया है बट कोई पर्सन उस ऑर्डर को कॉम्प्लाई नहीं करता है। कहा गया था जैसे अथॉरिटीज के द्वारा घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना, लेकिन वो पर्सन बाहर निकल जाता है, तो फिर उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उसने अथॉरिटीज के ऑर्डर को नहीं माना। सेक्शन 51 लग सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। और जब देखो सेक्शन 51 के तहत पनिशमेंट दी जाती है कन्विक्शन होने पर, तो एक साल की सजा हो सकती है। और अगर जान भी गई है किसी की, मान लीजिए किसी पर्सन ने अथॉरिटीज का ऑर्डर नहीं माना और उसकी वजह से जान चली गई किसी की, या फिर कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया, तो फिर 2 साल की सजा भी हो सकती है। इसके बाद है आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 505। अगर देखो कोई पर्सन गलत चीज सर्कुलेट कर देता है जिससे अफवाह फैल जाती है और डर पैदा हो जाता है सोसाइटी में, तो उस पर्सन को 3 साल की सजा और फाइन हो सकता है सेक्शन 105 आईपीसी के अकॉर्डिंग। समझ गए? मान लीजिए किसी पर्सन ने कुछ झूठी अफवाह फैला दी और इससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया। किसी ने बोल दिया कि कोविड-19 के केस जो हैं 1 लाख है, सरकार छुपा रही है, इससे सोसाइटी में डर पैदा हो गया, तो उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है आईपीसी सेक्शन 505 के तहत। और जब इस सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है, पर्सन दोषी करार दिया जाता है, तो उसे 3 साल की सजा और फाइन हो सकता है। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54। ये देखो मिलता जुलता है आईपीसी सेक्शन 505 से। जब कोई व्यक्ति फॉल्स अलार्म सर्कुलेट करता है, झूठ बोल देता है डिजास्टर के बारे में और या फिर डिजास्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, डेथ हुई है डिजास्टर की वजह से 100, लेकिन झूठी अफवाह उड़ा दी जाती है कि 1 लाख लोगों की डेथ हो गई है जैसे सोसाइटी में डर पैदा हो गया, तो उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम 1 साल की पनिशमेंट हो सकती है। सबसे लास्ट में है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 52। अगर देखो डिजास्टर की सूरत में कोई पर्सन आता है और झूठी रिलीफ क्लेम करता है, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में कुछ लोग झूठे सामने आ रहे हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, जबकि वो राशन घर में जमा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो झूठा रिलीफ क्लेम करते हैं, झूठी रिलीफ मांगते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है सेक्शन 52 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है ऐसे पर्सन के अगेंस्ट। तो ये हमने वेरियस लॉज को डिस्कस किया जिन्हें इन्वोक किया जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा लॉकडाउन के दौरान। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।